नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो हम दोनों माँ बेटी को काफी दिन हो गए, हम कहीं पर गई नहीं, बाहर नहीं निकली। तो आज हमें जा रही है, मुझे एक ड्रेस है वो सिलवानी देनी है। रजपूती ड्रेस है, भाभी जी ने दी थी ड्रेस आते वक्त, तो मैंने सिलवा कर नहीं लेकर आई। ये देखिए बंदेज वाली ये ड्रेस है, तो ये ड्रेस सिलवानी देकर आ रही हूँ। तो बाहर का मौसम कैसा है वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अंदर बैठकर अच्छा लग रहा है, एसी के अंदर, पंखे के अंदर। बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। इसके पापा बोल रहे हैं माँ बेटी इतने दिनों से बाहर निकले नहीं, आज निकलोगी तब पता चलेगा। आजकल बहुत तेज धूप है। आज हमारे यहाँ का टेम्परेचर 47 डिग्री है, 47 डिग्री। अभी 6 बज चुके हैं, 6 बजे, अभी 6 बजने वाले हैं। तो बाजार जाकर वापिस आ गई है, कपड़े सिलवाने के लिए देकर आ गई, और फाल अस्तर लेने के लिए गई थी, वहां से ब्लाउज भी लेकर आ गई, रेडीमेड ब्लाउज। और बाबू के लिए आम लेकर आ गए, ये देखिए अभी बनाएंगे आम रस। ब्लाउज आम हो गई, फिर भी ठंड नहीं हुई, ताप्ती वैसी चल रही है, लू। हाँ लू चल रही है। और ये आम लेकर आए हैं, तो आम का अभी मैं जूस बना रही हूँ दादी माँ की तरह। आज दादी माँ के तरीके से बना रही हूँ मैं, इस तरीके से बनाते हैं दादी माँ आम का। दादी माँ की तरह बहुत अच्छा है, बिना मिक्सी के जूस बना लेते हैं, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसका रस निकाल लेते हैं आम का। दादी माँ का तरीका बहुत अच्छा है, स्वाद लगेगी दादी माँ का। आज ही तरीका हमारा अलग है, क्योंकि आज जो आम है बहुत पीले पीले हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट है। इनका तो चूसने में मजा आएगा, मैं तो कल चूसूंगी। मीठे भी लग रहे हैं। ये देखिए रस निकाल लिए इसका, इतना सारा रस। हाँ ये तो सीधा ही दे दो। अब इसमें मिलाएंगे दूध। हमारा आम रस रेडी। ये आम रस बनकर तैयार है, इसमें चीनी नहीं मिलाई है अभी, मैं अपना निकाल लेती हूँ। मुझे भी देखना आज तो। तू भी सीधा पी ले, भी टुकड़ा नहीं था आम। हाँ मैं भी सीधा ही। सीधा पी सी नहीं। हाँ। आज तो आम इतना मीठा है कि चीनी में मिलाऊंगी नहीं, बहुत मीठा है, एकदम गजब मीठा है, जरूरत ही कोनी चीनी की। पी के देख मीठा नहीं, चीनी की बिल्कुल जरूरत नहीं, इतना मीठा है। ये वंदना पापा के लिए, ये और ये पापा ये टोपी पिए के बेचा मीठो। आज आम बहुत मीठा है, आज मीठा है। क्या है मीठो आज? गजब है, अब बड़ी आ गई तो, पूरी सीजन आ गई तो, बढ़िया क्वालिटी का आम लागे बेचारे। चीनी कौन मिलेडी? मिलेडी कौन है? एकदम मीठा, एकदम मीठा नहीं, बिना चीनी भी मीठा। तो अभी मैं खिचड़ी बनने के लिए चढ़ा रही हूँ, अभी अभी जूस पिया है, 8 बज गए हैं, तो थोड़ी भूख है, और खिचड़ी भी कई दिन हो गए बनाए हुए, तो खिचड़ी बनने के लिए चढ़ा रही हूँ। आज खिचड़ी बना ली। तुम जब खिचड़ी बनाते तो फिर मेरे दिमाग का खिचड़ी हो जाता है। अच्छा काली वाली, काली काली। अरे काली तो दाल होती है, आ दाल आ गई, स्वाद भी सी उसे, आ उड़द की दाल छिलकाड़ी को नहीं बार। ये चावल, हल्दी डाल देते हैं, हल्दी और नमक, खिचड़ी में हल्दी और नमक तो ही है। तो पानी में उबाल आ गए हैं, दालें डाल देते हैं। देखो शहर की लड़कियां इतनी कच्ची होती है कि 2 मिनट गर्मी में रह जाए, कहती बात सुन आ गयो वैसे ही उतने रहो, जाने नहीं खाना बना मेरे तो को नहीं है। तो
तो खिचड़ी तो बन चुकी है, मैं अभी बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है, इसमें सरसों भी डाल दिया तड़के में, और ये दही और बेसन घोट लिया है, ये प्याज काट लिए है कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी बाबू को अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है कढ़ी, इसको दाल अच्छी लगती है, वंदना को कढ़ी अच्छी लगती है। नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च, हल्दी। कुछ लोग पूछते हैं कि वंदना कहाँ पर है, तो अभी छुट्टियां हैं इसलिए वो दादी माँ और दादाजी के पास में गई हुई है, कुछ दिन भेजना भी चाहिए दादा दादी के पास में, अभी उसको लगभग 10 दिन हो जाएंगे। मुझे तो वंदना की बहुत याद आ रही है, इतने दिन वो रही नहीं कभी अलग, अगर जाती भी थी तो कभी 2 दिन 3 दिन या 1 दिन इतना ही जाकर आती थी, अभी 10 दिन हो गए उसको गए हुए। तो अभी एसी को लगाए हुए 1 महीना हुआ है और आज इसकी आवाज जो है ठंडी नहीं है और बहुत बहुत कम हवा दे रही है, इसका मतलब इसमें डस्ट हो गए है, उसको साफ करना पड़ेगा। आवाज कर लागे नहीं, हाँ कर लागे ज्यादा, तो इसको अभी साफ करना पड़ेगा, और साफ कैसे करते हैं आप देखिए, अभी वो देख लीजिए आप कैसे साफ करते हैं इसको, घर पर कोई भी कर सकता है। इस तरीके से इसको खोल लेंगे ढक्कन को, और ये जो दो जाली होती है यहाँ पर, इस जाली को निकाल लेना है, और इस जाली पे आप ये डस्ट जमी हुई देख सकते हैं, और देख कितनी जम गई, ये डस्ट जम जाती है इस तरीके से, इसको साफ कर देंगे तो हवा आराम से पास हो जाएगी, खींचने में दिक्कत हो जाएगी, इसको साफ करना पड़ता है। ये कढ़ी बन रही है और ये जाली को धो रहे हैं यहाँ पर। तो ठंडी क्यों को नहीं आवाज है, कारण क्या है? आवाज भी चेंज की नहीं, हाँ क्या करता हूँ पुराने टाइप की आदमी रहता हूँ, हाँ पुराने रीति रिवाज के साथ। अभी इसको सुखा लेंगे, अभी इसको एकदम पोंछ कर पंखे के नीचे सूख जाएगी ये 2 मिनट के अंदर, इसको सुखा कर लगाएंगे। तो अभी इसको एकदम अच्छे से गीले कपड़े से भी साफ कर रहे हैं, पूरी सूरी सूख गया, हाँ ये देखिए यहाँ से साफ कर रहे हैं। तुम भी कर लिया कर नहीं सीख क्या करते हो, तो मेरे को तो मिस्त्री है, मैं क्या करूँ, अभी मैं कर तो सकू, भेद तो की कोनी मां, भेद तो की कोनी करना चाहिए खुद, वो काम खुद करे में कॉन्फिडेंस बरकरार है, वो करे मैं भी मैं थोड़ी सेंट को फोर मार दियो, बढ़िया खुशबू आवे, मन बदबू आवे, खुशबू कोनी आवे सेंट में, वो जाने कोनी नहीं होते। मुझे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी कोई सा भी परफ्यूम हो। सूखी बेटो, तो अभी ये जाली सूख गई है और इनको वापस इस तरीके से लगा देंगे, एडजस्ट कर दे ले बाबू, यस यू जस्ट सॉरी मम्मी ना सांस आने लग जाए, सावड़ है नहीं साहब को नहीं सांस आ रहा, सांस ही आवाज होगी ऐसी ना, तो नाक बंद क्यों, नाक बंद क्यों, अब एकदम साफ है। अभी इस प्लेट को इस तरीके से बंद कर देंगे, बस अभी अब वही है, एसी का काम हो गया, तो इस वीडियो का एंड में यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।